आपको बता दें कि जेल से 8 कैदी फरार हुए थे। हरिद्वार अस्थायी जेल से फरार कैदियों का यह मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता दें, हरिद्वार अस्थायी जेल से फरार कैदियों का मामला जो है वो सामने आया है। पुलिस ने 4 कैदियों को गिरफ्तार किया है। हरिद्वार अस्थायी जेल से 8 कैदी फरार हुए थे, तो इन 8 कैदियों में से 4 कैदियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो आपको बता दें, अस्थायी जेल में इन्हें शिफ्ट किया गया था कोरोना को देखते हुए। तो आपको बता दें कि कोरोना काल को देखते हुए इन कैदियों को अस्थायी जेल में शिफ्ट किया गया था, लेकिन मौके का फायदा उठाकर 8 कैदी जो है वो यहां से अस्थायी जेल से हरिद्वार से फरार हो गए थे, जिसमें से पुलिस ने 4 कैदियों को फिर से गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एक तरफ 8 कैदी जो है वो फरार हुए थे, 8 कैदियों के फरार होने के बाद से लगातार पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे थे, तो वहीं लगातार पुलिस जो है छानबीन अपनी तेज कर रही थी। तो वहीं अब जो 4 कैदी हैं उनको वापस से गिरफ्तार कर लिया गया। तो वहीं हमारे सहयोगी सौरभ भाटिया हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ, सीधे उनका रुख करेंगे। सौरभ, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कोरोना को देखते हुए जो कैदी है उनको शिफ्ट किया गया था अस्थायी जेल में, और मौके का फायदा उठाते हुए 8 कैदी यहां से फरार हो गए थे, तो वहीं अब 4 कैदियों को वापस से गिरफ्तार कर लिया गया है, तो ऐसे में जो बाकी 4 कैदी हैं उनको लेकर पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है? देखिए, लगातार जो है ये कैदी जो फरार हुए थे इनको लेकर जगह जगह जो है छापेमारी की गई थी, नाकाबंदी की गई थी, जिसके बाद जो है 4 कैदियों को पुलिस ने समय रहते गिरफ्तार कर लिया, जबकि 4 फरार हैं। इसको लेकर जो है जो बॉर्डर एरिया है हरिद्वार के, तमाम जगहों पर जो है नाकाबंदी की गई है और सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस के आला अधिकारियों के द्वारा भी इस पूरे मामले का संज्ञान लिया गया है। पुलिस मुख्यालय की बात की जाए या IG गढ़वाल की बात की जाए, सबने जो है इस पूरे मामले पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है कि पुलिस को जो है पूरा ध्यान देने की जरूरत थी, जबकि जो है अस्थायी जेलों पर यहाँ पर स्थापित की गई है तो कैदियों के ऊपर नजर रखने की बेहद जरूरत थी, लेकिन ऐसे में अगर कैदी फरार होते जी, तो जी सौरभ, अपने आप में एक बड़ा सवाल जो है पुलिस महकमे पर ये खड़ा करता है, किस तरीके से 8 कैदी जो है पुलिस की कैद से भाग गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।